वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आयरलैंड वर्सेस इंडिया सेकंड T20I मैच जो खेला जाएगा द विलेज डबलिन में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल्स काफी सारे हैं हमारे नाम के और रेगुलर वीडियोस आपके लिए आ रही है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें वेन्यू की, सो द विलेज डबलिन में मैच खेला जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है वेदर, सो आज बारिश के चांसेस नहीं है जैसा मैंने वेदर कंडीशन में देखा है। लेकिन यहाँ पर जो है 17 T20I मैचेस जो खेले गए हैं उसमें 10 चेजिंग टीम ने जीते हैं और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर है वो 160 का रहता है। लास्ट मैच में भी क्योंकि वो ओवरकास्ट कंडीशन थी इसलिए अर्ली स्विंग मिल रहा था, अदरवाइज जिस तरीके से बेन मैकार्थी ने बैटिंग करी है तो लग रहा था कि विकेट अच्छा है, बट स्टार्टिंग में क्योंकि स्विंग मिला इस वजह से उतने रन नहीं बने। तो मुझे लगता है अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 170 से 180 का स्कोर तो है बनना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं आयरलैंड की तो मुझे लगता है 140 से 45 आयरलैंड को बना लेने चाहिए अगर पहले बैटिंग करती है। तो बात करते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की। सो आयरलैंड की तरफ से मुझे कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से सेम प्लेइंग 11 के साथ जो है आयरलैंड जाना चाहेगा। वहीं अगर हम बात करें टीम इंडिया की, सो टीम इंडिया भी क्योंकि फर्स्ट मैच जो है जीत कर आ रही है और जीत के भी डेक्वन लुइस से जीत के आ रही है, तो कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर भी अगर बोलर्स को ट्राई करना हो तो एक आधा चेंज या फिर मे बी अगर रेस्ट करना चाहते हो तो अर्शदीप को अगर रेस्ट दिया जा सके तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज यहां से कोई चेंज होता हुआ मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। इस मैच में होने वाला है 1,00,000 रुपए का फ्री गिव अवे। कहां पर होगा? होगा विजन 11 ऐप पे। डेली फ्री गिव अवे होते हैं यहाँ पे, लोएस्ट एंट्री फीस आपको मिल जाती है। सो अगर आपके यहाँ विजन 11 ऐप नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्च्यून रेफर कोड है FORTUNE, इसके थ्रू डाउनलोड कर लेना, 500 रुपए का साइन अप बोनस भी आपको मिल जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं आयरलैंड की टीम की। सो आयरलैंड की टीम से बेलबर्नी ओपन करेंगे पॉल स्टर्लिंग के साथ। बेलबर्नी की बात करें तो 5 मैच में 84 रन बनाए हुए हैं हेड टू हेड में, वेन्यू पे भी जो है 25 के औसत से रन बनाए हैं। प्लेयर अच्छे हैं लेकिन उतने कंसिस्टेंट नहीं है कि 20-30 रन आपको बनाकर दे सकते हैं, और जब चलते हैं तो 40-50, तो ग्रैंड लीग में ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे, स्मॉल लीग के लिए थोड़े रिस्की हैं। पॉल स्टर्लिंग की बात करें तो हेड टू हेड में काफी बेकार रिकॉर्ड है, 5 मैच में 56 ही रन है और वेन्यू पे भी 8 मैच में 114 रन ही है, तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट हाँ, ये ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, अगर 20-30 बॉल खेल गया तो आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकता है, तो एक रिस्की पिक बन सकती है स्मॉल लीग में। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो पॉल स्टर्लिंग को ट्राई कर सकते हैं। फिर आएंगे यहाँ पर टकर, लास्ट मैच में आते ही आउट हो गए थे लेकिन विकेट कीपिंग करता है और वन डाउन बैटिंग करता है, बैट्समैन ही अच्छा है, आप चाहे तो इसके ऊपर एक रिस्क लिया जा सकता है विकेट कीपिंग सेक्शन में। फिर आएंगे हैरी टेक्टर, जो आप कह सकते हैं आयरलैंड की टीम के जो है बेस्ट बैट्समैन है, 6 मैच में जो है 229 रन है इस वेन्यू पे, 3 मैच में इंडिया के अगेंस्ट भी 112 रन है, तो मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट पिक बन जाती है स्मॉल लीग में। कर्टिस कैम्फर्ड लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं और जरूरत आने पर बोलिंग भी करते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट पिक बन जाते हैं स्मॉल लीग में। फिर आएंगे जॉर्ज डॉक्टरल, जो पहले बॉलिंग भी करते थे लेकिन अब रिसेंट टाइम में बॉलिंग उतनी नहीं करते हैं, सो एज अ बैट्समैन खेलते हैं, तो ग्रैंड लीग में रिकमेंड करूंगा, स्मॉल लीग में नहीं। फिर आ जाता है इनके बॉलिंग ऑप्शन, बॉलिंग में मार्क अडेयर एक अच्छा ऑलराउंडर है जो बॉलिंग सेक्शन में आपको मिल जाता है, लोअर ऑर्डर में आपको अच्छी बैटिंग करके दे देता है, तो अगर पहले बॉलिंग आती है तो मार्क अडेयर काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वेन्यू पे भी 7 मैच में 9 विकेट है, हेड टू हेड में 3 में 3 विकेट है। फिर आएंगे बैरी मैकार्थी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये आके बैटिंग कर लेता है और लास्ट मैच में 50 भी मारी है इन्होंने, तो इनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ओवर भी करेंगे और बैटिंग भी अच्छी खासी है कर लेते हैं, तो एक आपके लिए अच्छी पिक बन सकते हैं स्मॉल लीग में। जोशुआ लिटिल इस टीम के बेस्ट बॉलर है लेकिन इस मैच में काफी कम सिलेक्शन है क्योंकि लास्ट मैच में उतने विकेट मिला नहीं था इनको, तो यहाँ पर जो है लेकिन अगर पहले बॉलिंग आती है, बॉलिंग आते हुए जोशुआ लिटिल को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इस टीम का एक बेस्ट बॉलर है। क्रेग यंग की बात करें, लास्ट मैच में 1 ही ओवर में 2 विकेट निकाल गए थे, हेड टू हेड में 3 मैच में 6 विकेट है, वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, तो आप इस खिलाड़ी को चाहें तो स्मॉल लीग में कंसिडर कर सकते हैं। फिर आएंगे बेंजामिन व्हाइट, ओनली फॉर ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा। डेथ बॉलिंग की बात करें, जोशुआ लिटिल है, मार्क अडेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें पॉल स्टर्लिंग है, हैरी टेक्टर है, कैंपर, अडेयर और जोशुआ लिटिल टीम से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं। बात करते हैं टीम इंडिया की, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो क्योंकि जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बात करते हैं टीम इंडिया की तरफ से, सो ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे यहाँ पर जयसवाल के साथ। ऋतुराज गायकवाड़ इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में 2 मैच में 19 रन है,
बट स्टिल अच्छी पिक है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप स्मॉल लीग में कर सकते हैं। जयसवाल मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ज्यादा है क्योंकि ये जब चलते हैं ना बड़ी इनिंग खेल जाते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में कई बार थोड़ा तेज खेलने के चक्कर में विकेट भी थ्रो कर जाते हैं, बट स्टिल इम्पोर्टेंट है, कैप्टन वाइस कैप्टन की शानदार चॉइस है। अब वन डाउन, जैसे मैंने पिछले मैच की वीडियो में भी बताया था, इंडिया जो है वन डाउन के लिए लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चला सकती है। तो अगर जयसवाल पहले आउट होंगे तो तिलक वर्मा आ सकते हैं और वही लास्ट मैच में हुआ था, और अगर जो है पहले यहाँ पर जो है गायकवाड़ आउट होते हैं तो फिर संजू सैमसन आ सकते हैं। संजू सैमसन इंपॉर्टेंट है, विकेट कीपिंग कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वन या सेकंड डाउन बैटिंग भी करेंगे, तो आपके लिए एक अच्छी पिक बन जाती है स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे तिलक वर्मा, लास्ट मैच में आते ही आउट हो गए थे, बट प्लेयर बहुत अच्छा है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और अगर आपको लगता है जयसवाल का पहले विकेट गिरेगा उस केस में जो है फिर तिलक वर्मा पहले बैटिंग करने आएंगे वन डाउन, और एक आपके लिए अच्छी डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं। रिंकू सिंह है, ग्रैंड लीग में रिकमेंड करूंगा, स्मॉल लीग में उतना नहीं। शिवम दुबे पे अगर रिस्क लेना है ग्रैंड लीग में काफी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये आपको एक से दो ओवर भी करके दे सकते हैं, और अगर इंडिया की पहली बैटिंग आती है फिर ये आके आपको हिटिंग भी करके दे सकते हैं, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए रिस्क लेना है तो ट्राई कर सकते हो। वॉशिंगटन सुंदर है, लास्ट में आज विकेट नहीं मिला इसी वजह सिलेक्शन कम होगा, लेकिन अच्छा प्लेयर है, विकेट निकाल सकता है। अर्शदीप इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में एक ही विकेट मिला बट स्टिल कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। फिर आएंगे यहाँ पर बिश्नोई, बिश्नोई ने भी कमाल की बॉलिंग करी थी लास्ट मैच में, विकेट्स निकाले थे, ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। बुमराह की बात करें, अगर देखो स्पीड कम हो चुकी है, लास्ट मैच में ओवरकास्ट कंडीशन थी तो स्विंग मिल रहा था, इंपॉर्टेंट है और आप चाहें तो इन्हें भी स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन अगर आज ओवरकास्ट कंडीशन नहीं होती तो देखते हैं कितना स्विंग मिलता है, ये चीज देखने वाली है। प्रसिद्ध कृष्णा मुझे लगता है विकेट आज भी निकाल के जाएंगे ग्रैंड लीग में, इस खिलाड़ी को लास्ट मैच में मैंने बोला था आपको टेलीग्राम पे कि ये कैप्टन कर देना, इस मैच में भी मैं कहूंगा ग्रैंड लीग में आप प्रसिद्ध कृष्णा को जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना है। डेथ बॉलिंग की बात करें, बुमराह और अर्शदीप है इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें, जयसवाल, गायकवाड़, तिलक वर्मा, अर्शदीप, बुमराह और रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो जयसवाल को कर सकते हो, यहाँ पर गायकवाड़ है, बुमराह और अर्शदीप। ग्रैंड लीग में बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा को कर सकते हो, यहाँ पर कर्टिस कैम्फर है, संजू सैमसन और रवि बिश्नोई को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम, टक्कर आ जाते हैं, मैंने संजू सैमसन को लिया है, रिस्क लेना है तो टक्कर को भी ट्राई आप कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से बात करें, गायकवाड़ को लिया है मैंने, जयसवाल को लिया है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए तिलक वर्मा को ट्राई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर हैरी टेक्टर को अपनी टीम में रखा है, पॉल स्टर्लिंग का भी एक ऑप्शन आ जाता है। बेलबर्नी, दुबे, रिंकू सिंह, आप मल्टीपल ग्रैंड लीग लगा रहे हैं तो उन्हें रोटेट कर सकते हैं। ऑल राउंडर सेक्शन में मैंने यहाँ पर कर्टिस कैम्फर को लिया है, वॉशिंगटन सुंदर को आप ट्राई कर सकते हैं और डॉक्टर को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो बुमराह को लिया है, अर्शदीप को लिया है, या प्रसिद्ध कृष्णा और बिश्नोई, चारों को मैंने अपनी टीम में लिया है। अब एक ऑप्शन बचता है यहाँ से, तो यहाँ पर जो है अडेयर को मैंने अपनी टीम में रखा है। अब लास्ट पिक में ऑप्शन आ जाते हैं, अगर आप जो है किसको लेना है, तो बॉलर में मैं यहाँ पर आप जोशुआ लिटिल, क्रेग यंग अगर पहले बॉलिंग आती है, मैकार्थी क्योंकि ये बैटिंग कर लेते हैं तो एक ऑलराउंडर टच आपको मिल जाता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर पॉल स्टर्लिंग को ट्राई कर सकते हैं, और ड्रीम इलेवन पे तो आप तिलक वर्मा को भी आप यहाँ ले पाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पर मैकार्थी को रखा है। तो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन काफी हद तक टॉस में डिसाइड करेंगे, बट अभी के लिए मैंने कैप्टन जो है यहाँ पर अर्शदीप को किया, वाइस कैप्टन मैंने जयसवाल को किया है, तो ये बन जाएगी हमारी स्मॉल लीग की टीम, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की, तो दो टीम्स क्रिएट करी हैं। टीम वन में हमने प्रसिद्ध कृष्णा को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन जो है हमने यहाँ पर रवि बिश्नोई को किया है। टीम टू की अगर हम बात करें, टीम टू में हमने जयसवाल को कैप्टन किया और अर्शदीप को हमने वाइस कैप्टन किया हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।